हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन. वेलकम यू ऑल हेयर. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियाज एंशियंट पास्ट बाय आर एस शर्मा का चैप्टर 7, जिसका नाम है ह्यूमन इवोल्यूशन द ओल्ड स्टोन एज. और आज हम जानेंगे कि ओल्ड स्टोन एज क्या थी. राइट, इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, हम पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे अफ्रीकन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के अफ्रीकन एंसेस्टर के बारे में हम जानेंगे. फिर जानेंगे कि इंडिया में अर्ली मैन कौन थे. फिर हम जानेंगे पैलोलिथिक एज में कौन कौन से फेजेस थे. उसके बाद जानेंगे मेसोलिथिक एज क्या है. और फिर जानेंगे कि ओल्ड स्टोन एज में आर्ट किस टाइप की होती थी. और फिर हम जानेंगे कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस तरीके सेटअप हुई थी. राइट, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो 4600 मिलियन ईयर ओल्ड है, यानी कि लगभग 4600 यानी 4600 मिलियन साल पुरानी है. और जब इसका इवोल्यूशन हो रहा था तो उसके हिसाब से हम इसकी क्रस्ट को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. और जो इसकी फोर्थ स्टेज है उसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी स्टेज. राइट, तो क्वार्टरनरी स्टेज जो है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है प्लेस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन. प्लेस्टोसीन का मतलब है आइस एज. राइट, और होलोसीन का मतलब है पोस्ट आइस एज. मतलब ये कि आइस एज के बाद का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं होलोसीन. राइट, तो आइस एज जो थी उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, वो था 2 मिलियन बीसी से 12,000 बीसी तक, यानी कि 2 मिलियन बिफोर क्राइस्ट से लेकर 12,000 बिफोर क्राइस्ट तक. और जो पोस्ट आइस एज थी वो 12,000 बीसी से लगाकर अभी तक ये चल रही है. राइट, इसके बाद लाइफ कब शुरू हुई अर्थ पर. लाइफ स्टार्ट हुई 3500 मिलियन ईयर अगो, यानी कि लगभग 3500 साल पहले अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई. और ह्यूमन कब अपीयर हुए, ह्यूमन अपीयर हुए प्री प्लेस्टोसीन टाइम में, यानी कि जो हमारी आइस एज थी उससे पहले इंसान जो थे वो अर्थ पर अपीयर हुए थे. इसके अलावा बहुत सारे टाइप के ह्यूमंस हुए, यानी क्रिएचर बहुत टाइप की हुई और उनको बोला गया होमोनिड्स. और ये जो होमोनिड्स थे ये लगभग 6 मिलियन साल पहले, यानी कि 6 मिलियन साल पहले ये सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे. और जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे वो बिल्कुल बंदरों की तरह दिखते थे, यानी कि बंदरों की और इंसानों की क्वालिटी थी उनके अंदर. राइट, तो ये जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे ये फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किए गए, ये लगभग 30 मिलियन साल पहले, यानी 30 मिलियन साल पहले इनको डिस्कवर किया गया था. राइट, तो फ्रेंड्स देखते हैं आप थोड़ा सा कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स उन्होंने इवॉल्व किया, यानी कि क्रिएचर जो थी उसकी बर्थ कैसे हुई. तो हम इसमें कौन कौन से क्रिएचर के बारे में जानेंगे, हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद हम जानेंगे होमो हैबिलिस, फिर हम देखेंगे होमो इरेक्टस, फिर देखेंगे होमो सेपियंस और फिर होमो सेपियंस सेपियंस. राइट, तो फ्रेंड्स ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस टर्म है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सदर्न एप. ये जो टर्म है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. राइट, और इसका मतलब होता है सदर्न एप, यानी कि ऐसे एप जो सदर्न एरिया में पाए जाते थे, इसीलिए उनको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस. राइट, उसके बाद है होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस का मतलब होता है अ हैंडी या फिर स्किलफुल मैन, यानी इसके अंदर कुछ स्किल्स होते हैं उनको बोलते हैं होमो हैबिलिस. राइट, इसके बाद होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस का मतलब होता है अपराइट मैन. होमो सेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन. और होमो सेपियंस सेपियंस का मतलब होता है फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन. राइट, उसके बाद ये कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था, यानी कब से कब तक ये अपीयर हुए थे. तो ये टाइम पीरियड था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, वो था 5.5 मिलियन से 1.5 मिलियन ईयर अगो, यानी कि लगभग इतने साल पहले ये सर्वाइव करते थे. इसके बाद में होमो हैबिलिस का टाइम पीरियड था 2 से 1.5 मिलियन ईयर अगो, यानी कि उस टाइम पर ये सर्वाइव करते थे. होमो इरेक्टस कब सर्वाइव करते थे, 1.8 मिलियन से 1.6 मिलियन ईयर अगो. इस तरीके से होमो सेपियंस भी हैं और इस तरीके से होमो सेपियंस सेपियंस भी हैं. राइट, ये फाउंड कहाँ पे हुए थे, सबसे पहले कहाँ पे मिले थे ये. तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस जो हैं ये दोनों ही ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में पाए गए थे. इसके अलावा होमो इरेक्टस जो हैं ये कहाँ कहाँ पे फाउंड किए गए, ये अफ्रीका, चाइना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. राइट, होमो सेपियंस ये वेस्टर्न जर्मनी में फाउंड किए गए थे, लेकिन इनका इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ, इनका वर्शन हुआ यूरोप में. और जो होमो सेपियंस थे ये सदर्न अफ्रीका में फाउंड किए गए. राइट, और ये कब फाउंड किए गए, ये जो स्टोन एज थी यानी लास्ट स्टोन एज थी उसमें इनको फाउंड किया गया. और जो ये जो लास्ट स्टोन एज है इसको हम बोलते हैं अपर पैलोलिथिक एज. राइट, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रिएचर थी इनका ब्रेन किस तरीके से इवॉल्व हुआ. देखिए यहाँ पर है ब्रेन केस, यानी कि जब ह्यूमंस ने इवॉल्व किया तो साथ साथ उनका ब्रेन केस भी इवॉल्व हुआ. तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इनका जो ब्रेन था ये 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था. उसके बाद जो होमो हैबिलिस आए उनका जो ब्रेन था वो था 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर.
होमो इरेक्टस का जो ब्रेन केस था वो था 800 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, होमो सेपियंस का जो ब्रेन था वो था 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर, और होमो सेपियंस सेपियंस का था 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर का, राइट। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो फ्रेंड्स, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ थी, यानी कि एप की क्वालिटीज़ भी थी, बंदर जैसी क्वालिटीज़ थी इनके अंदर, और साथ साथ ह्यूमन बींग से कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके अंदर थे। और क्योंकि इनके अंदर ह्यूमन बींग से कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, इनको होमोज कहा गया। होमोज मतलब ह्यूमन बींग, और इनको प्रोटो ह्यूमन भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्री ह्यूमन होमोनिस्ट थे उसके लास्ट स्टेज में ये अपियर हुए थे, इसीलिए इनको प्रोटो ह्यूमंस भी कहा जाता है, राइट। अब जो होमो हैबिलिस हैं, इनको माना जाता है कि ये पहले ऐसे ह्यूमंस थे जिन्होंने स्टोन के पीसेस किए थे, यानी पत्थर को तोड़ा था और उससे टूल्स बनाए थे, यानी उन्होंने जिसने पत्थर से पहले टूल्स बनाए थे वो कौन से ह्यूमन बींग से, वो थे होमो हैबिलिस, राइट। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, ऐसा माना जाता है कि ये वही ह्यूमन बींग थे, यानी ये पहले ऐसे ह्यूमन बींग थे जिन्होंने फायर को डिस्कवर किया था, राइट। और ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते थे, और इनका जो स्कल था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, यानी कि स्ट्रांगली बिल्ट था इनका स्कल। इसके अलावा ये जो होमोसेपियंस थे, होमोसेपियंस का जो फॉरहेड था वो बहुत ही नैरो होता था, और इनकी बॉडी बहुत शॉर्ट रहती थी। और उसके बाद में जब होमोसेपियंस सेपियंस आए, क्योंकि ये क्या थे, ये फुल फ्लैश्ड मॉडर्न ह्यूमन थे, राइट, तो इसीलिए इनका जो फॉरहेड था ये लार्ज था, और इनकी जो बोन्स थी वो थिनर थी। और ओरिजिनली ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस सेपियंस ही थे जिन्होंने स्टोन को डाइवर्सिफाई किया, यानी जो स्टोन के टूल्स थे उन्होंने उसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ किया। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या ये बोल पाते थे या नहीं बोल पाते थे, राइट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बर्थ ऑफ क्रिएचर। अब देखते हैं अर्ली मैन इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे पहले जो अर्ली मैन था उसके फॉसिल्स कहाँ डिस्कवर किए गए। तो फ्रेंड्स, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम फॉसिल पाए गए हैं, लेकिन कुछ जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल थे वो कहाँ पाए गए हैं, वो शिवालिक हिल्स में पाए गए हैं। और शिवालिक हिल्स में कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों कवर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये शिवालिक हिल्स कहाँ पर हैं। तो हिमालयस जो हैं, हिमालयस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। तो पहले वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं हिमाद्री, दूसरा वाला जो है इसको हम बोलते हैं हिमाचल, और थर्ड में जो है, थर्ड यानी नीचे की तरफ जो है, सदर्न पार्ट में जो है, उसको हम बोलते हैं शिवालिक। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के यहीं पे अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स जो थे वो पाए गए थे ह्यूमन बींग्स के, राइट। ये जो स्कल्स थे ये कहाँ पाए गए थे, ये पाकिस्तान के पंजाब में जो पोटवार प्लेट्यू है वहाँ पर ये अपियर हुए थे। और ये जो स्कल्स थे इनको क्या बोलते थे, यानी दो टाइप के स्कल्स यहाँ पे पाए गए थे, एक तो थे रामापिथेकस और दूसरे थे शिवापिथेकस। रामापिथेकस जो थे ये फीमेल स्कल थे, राइट, और ऐसा माना जाता है कि दोनों के दोनों जो स्कल थे ये 2.2 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, यानी कि इतने साल पुराने हैं ये। इस ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो ग्रीस में पाए गए, यानी कि लगभग 10 मिलियन साल पहले इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो ग्रीस में पाए गए। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एक फुल फ्लैश यानी कंप्लीट होमोनिड स्कल था वो कब डिस्कवर किया गया, वो 1982 में डिस्कवर किया गया। और कहाँ डिस्कवर किया गया, ये जो नर्मदा की मिडल वैली है, जहाँ पर एक जगह है हाथनोरा, और हाथनोरा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कंप्लीट होमोनिड स्कल जो था वो पाया गया था। तो पहले बोलते थे कि ये होमो इरेक्टस है, यानी कि अपराइट ह्यूमन है, लेकिन जैसे उसकी शरीर की रचना थी, जैसे उसका एनाटॉमी था, उसके हिसाब से उसको होमो सेपियंस रिकॉग्नाइज किया गया। और अगर हम बात करते हैं फुल फ्लैश्ड मॉडर्न मैन की, यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस की, तो इनके जो रिमेन्स थे ये कहाँ पाए गए, ये श्रीलंका में पाए गए। और श्रीलंका में कौन सी जगह पर, फाहियन केव है, वहाँ पे ये पाया गया। ये जो फॉसिल था, यानी कि ये जो रिमेन था मॉडर्न मैन का, ये लगभग 34,000 ईयर ओल्ड था, यानी लगभग 34,000 साल पुराना था ये। और ये जो फाहियन केव है, ये माना जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट अपर पैलोलिथिक साइट थी, राइट। और ऐसा बोला जाता है कि जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमन थे ये इंडिया में कहाँ से आए थे, ये साउथ से आए थे, क्योंकि इनका जो अर्ली कोस्टल माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, वो अफ्रीका से लगभग 50,000 साल पहले, यानी 50,000 ईयर अगो ये इनका माइग्रेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो ये नॉर्थ से नहीं आए थे, ये कहाँ से आए थे, ये साउथ से आए थे, राइट। तो अभी हम देखेंगे फेजेज इन द पैलोलिथिक एज, लेकिन हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि स्टोन एज क्या थी। तो फ्रेंड्स, स्टोन एज का मतलब ये है कि वो एज जिसमें इंसान ने पत्थरों से औजार बनाने स्टार्ट किए थे, यानी टूल्स बनाने स्टार्ट किए थे, उसी एज को हम बोलते हैं स्टोन एज, राइट।
तो जो स्टोन एज है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा पैलोलिथिक एज, दूसरा है मेजोलिथिक और तीसरा है न्योलिथिक, राइट। तो ये जो पैलोलिथिक है और मेजोलिथिक इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, और जो न्योलिथिक है इसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो मेजोलिथिक है ये ट्रांजिशन फेज था पैलोलिथिक के बीच में और न्योलिथिक के बीच में, राइट। और ये जो पैलोलिथिक एज है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो है अर्ली या फिर लोअर पैलोलिथिक एज, फिर है मिडिल और उसके बाद आता है अपर, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फेजेस हैं ये कब से कब तक थे और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले हम देखते हैं फेजेस। तो फ्रेंड्स ये जो लोअर पैलोलिथिक एज थी इसका टाइम पीरियड था 6 लाख से लेकर 1,50,000 BC तक का। उसके बाद में जब मिडिल आई तो मिडिल का टाइम पीरियड था 1,50,000 से 35,000 BC तक का, और अपर का टाइम पीरियड था 35,000 से लेकर 10,000 BC तक, राइट। अभी हम देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम देखते हैं लोअर पैलोलिथिक एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एज थी इसका ग्रेटर पार्ट जो था वो आइस एज से कवर्ड था, यानी कि यहाँ पर इतने पार्ट में ज़्यादातर आइस एज ही रही थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो लोअर पैलोलिथिक एज थी ये स्टार्ट हुई थी अफ्रीका में, और लगभग 2 मिलियन साल पहले यानी 2 मिलियन ईयर अगो ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन इंडिया में ये 6 लाख ईयर से ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इंडिया में इस टाइम पर जो ह्यूमन बींग्स थे वो थे होमो सेपियंस। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर होमो सेपियंस ग्रुप जो थे वो ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव करते थे। उसके बाद देखते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स ये जो मिडिल पैलोलिथिक एज है ये ज़्यादातर कोइंसाइड करती है लोअर पैलोलिथिक साइट के साथ में, यानी कि जहाँ पर लोअर पैलोलिथिक साइट पाई जाती हैं ऑलमोस्ट वहाँ पर मिडिल भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो एज थी ये किस पर डिपेंड करती थी, ज़्यादातर ये फ्लेक्स या जो स्टोन के स्मॉल पीसेस होते हैं ये उस पर डिपेंड करती थी। उसके बाद अपर पैलोलिथिक एज, और ये जो अपर पैलोलिथिक एज थी ये लास्ट फेज था आइस एज का, यानी कि इस टाइम पर आइस एज जो थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। क्लाइमेट जो था वो कम ह्यूमिड रह गया था और थोड़ा ये वार्म होना स्टार्ट हो गया था, यानी गर्म होना स्टार्ट हो गया था। ये जो टाइम पीरियड था इस टाइम पर मॉडर्न टाइप के जो मैन थे वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे, यानी जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। इसके अलावा जो लोअर पैलोलिथिक एज थी ये कहाँ कहाँ पर इसकी साइट्स हैं, तो फ्रेंड्स ये कहाँ कहाँ पाई गई हैं, ये है बोरी। बोरी कहाँ पर, ये है महाराष्ट्र में, राइट। और ऐसा माना जाता है कि ये अर्लीस्ट लोअर पैलोलिथिक साइट थी। उसके बाद में जो पाकिस्तान का पंजाब एरिया है वहाँ पर जो रिवर सोन वैली है वहाँ पर ये साइट पाई गई थी। इसके अलावा कश्मीर में थार डेजर्ट, बिलान वैली जो कि यूपी में है, दिदवाना ये राजस्थान में है, चिरकी निवासा ये महाराष्ट्र में है, नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, और इसके अलावा कुछ केव एंड रॉक शेल्टर्स जो पाए गए थे वो भीमबेटका में पाए गए थे। भीमबेटका कहाँ पर है, ये भोपाल में है, और भोपाल कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, राइट। और टूल्स कौन से डिस्कवर किए गए थे यहाँ पर, यहाँ पे एक्सेस यानी कुल्हाड़ी पाई गई थी, और जो स्टोन थे यानी पत्थर के यहाँ पर औजार पाए गए थे, और किस लिए, जैसे कि चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए, स्किनिंग के लिए, राइट। तो इसलिए ये टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद मिडिल पैलोलिथिक एज, तो ये कहाँ कहाँ पर इसकी साइट्स थी, नर्मदा, इसके अलावा तुंगभद्रा रिवर जो है साउथ में वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मिडिल पैलोलिथिक एज की कुछ साइट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बेलान वैली जो कि यूपी में है, इसके अलावा दिदवाना, राइट। और यहाँ पे टूल्स कौन से इस्तेमाल होते थे, इस टाइम पे ज़्यादातर स्मॉल पीसेज जो होते थे स्टोन्स के उनको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे प्रिंसिपल टूल्स कौन कौन से थे, सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ करते थे यहाँ पे, यहाँ पे ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोर्ड्स, स्क्रैपर्स, ये सब जो होते थे फ्लेक्स से बने होते थे। और फ्लेक्स मतलब होता है टुकड़े, मतलब जैसे पत्थर के टुकड़े कर देते हैं छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्स, राइट। अब हम देखते हैं अपर पैलोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स इसकी साइट्स कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं, ये है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी, झारखंड और उसके जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं। इसके अलावा अपर लेवल का जो गुजरात है यानी गुजरात के अपर वाले पार्ट में पाए गए हैं। इसके अलावा दिदवाना और भीमबेटका में ये साइट्स पाई गई हैं। और यहाँ पे कौन से टूल इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्ज फ्लेक्स होते थे, यानी कि जो स्टोन्स होते हैं उनके बड़े बड़े पीसेज यहाँ पे इस्तेमाल करते थे एज अ टूल। इसके अलावा ब्लेड्स, बरिंस और स्क्रैपर्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैलोलिथिक एज क्या थी। अब हम बढ़ते हैं मेजोलिथिक एज पर। तो फ्रेंड्स अपर पैलोलिथिक एज जो थी ये लगभग 10,000 साल पहले ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई थी, और जब ये ख़त्म हो रही थी तो उस टाइम पर जो क्लाइमेट था
ये वार्म और रेनी होना स्टार्ट हो गया था, और जब ये खत्म हुई तो उस टाइम पर स्टार्ट हुई थी मेसोलिथिक एज। तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से जो फौना एंड फ्लोरा था, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। और क्योंकि बारिश अच्छी हो रही थी तो इंसानों ने, यानी ह्यूमंस ने, उसका एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया, यानी उसके बेनिफिट लेने स्टार्ट कर दिए। तो लगभग 9000 BC के आसपास एक इंटरमीडिएट स्टेज जो थी वो स्टार्ट हुई। और क्योंकि ये यहाँ पर क्या था कि जो स्टोन एज कल्चर था उसमें चेंजेस आने शुरू हुए थे, इसीलिए इसको डिफरेंट एज बोलते हैं, यानी कि इसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं, यानी मिडिल एज इसको कहा जाता है। तो ये क्या है, ये ट्रांजिशनल फेज था किसके बीच में, पैलोलिथिक के बीच में और न्योलिथिक के बीच में, राइट। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, इसका टाइम पीरियड था 9000 से 4000 BC तक का। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग पाए जाते थे, यहाँ पे ज़्यादातर हंटिंग होती थी, फिशिंग की जाती थी, फूड गैदरिंग और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाने लगा था यहाँ पे। तो ये जो हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग थी, ये पैलोलिथिक प्रैक्टिस जो चल रही थी उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया था। लेकिन ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था इंसान ने, ये कब डेवलप हुआ, ये न्योलिथिक कल्चर में डेवलप हुआ था। यहाँ पे टूल्स कौन से इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे माइक्रोलिथ या फिर टाइनी टूल्स, यानी कि जो पत्थर होते थे उनके छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, यानी कि माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब पत्थर, राइट। यानी पत्थरों से छोटे छोटे औजार यहाँ पे बनाए जाते थे। साइट्स कहाँ पर है मेसोलिथिक की, ये है बागौर। बागौर कहाँ पर है, राजस्थान में। और यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंसेस भी मिले हैं कि यहाँ पर एनिमल को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया गया था, राइट। उसके बाद आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पर है, ये MP में है, यानी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे, यानी मध्य प्रदेश में, जो अर्लीस्ट साइट थी जहाँ पे एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की प्रूफ मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, आदमगढ़ में मिलते हैं, राइट। इसके अलावा सदर्न यूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया और साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, तो यहाँ पे ये मेजोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो पाई गई हैं, राइट। अब हम देखते हैं आर्ट इन द ओल्ड स्टोन एज, यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज थी उस टाइम पे किस टाइप की आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता था। तो फ्रेंड्स, जो पैलोलिथिक और मेसोलिथिक एज के जो पीपल थे वो पेंटिंग करते थे, यानी वो पेंटिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग साइट, यानी सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग पाई गई हैं, वो कहाँ पाई गई हैं, भीमबेटका में। और भीमबेटका कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आप समझते होंगे ये इंडियन स्टेट है एक, राइट। तो वहाँ पर एक जगह है भीमबेटका, लगभग भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है ये, यानी भोपाल के साउथ में ये भीमबेटका पड़ता है। और यहाँ पे 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स जो हैं वो पाए गए हैं, जो कि लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी फैले हुए हैं। और यहाँ पे, यानी भीमबेटका में, जो रॉक पेंटिंग पाई गई हैं वो अपर पैलोलिथिक से मेसोलिथिक एज तक की हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो रीसेंट टाइम की हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसमें पेंटिंग किस टाइप की हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, इनको इसमें पेंट किया गया है। तो इसमें जो बर्ड्स और एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है, ऐसा माना जाता है कि इनको, ये जो अर्ली ह्यूमंस थे, ये अपने सब्सिस्टेंस के लिए, यानी अपने जीवन यापन के लिए इनको हंट करते थे, राइट। तो ये जो पेंटिंग है, तो ये जो पेंटिंग्स हैं, इससे प्रूफ मिलते हैं कि इस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो हंटिंग के ऊपर बेस्ड थी और गैदरिंग के ऊपर बेस्ड थी, राइट। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल किया होगा, यानी वो कंट्रोल को इंश्योर करते हैं। और कंट्रोल कैसे किया होगा, हंटिंग के लिए किया होगा, या फिर उनको सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरह यूज़ किया होगा, जैसे कि डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते थे ना मेसोलिथिक में आके इंसानों ने जानवरों को, तो लाइवलीहुड के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स की डिपिक्शन है, ये क्या शो करती है कि इंसान ने उसके ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया था, राइट। इसके अलावा जो हरप्पन कॉन्टेक्स्ट है, यानी हरप्पन में भी बहुत सारी जो सील्स हैं उसके ऊपर एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इकोनॉमी थी उनकी वो भी के ऊपर डिपेंड करती थी हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर, नहीं। वो ज्यादातर, वो जो हरप्पन लोग थे, हरप्पन पीपल थे, वो ज्यादातर फूड पर डिपेंड करते थे, यानी जो फूड को वो ग्रो करते थे उसी के ऊपर वो डिपेंड करते थे, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो अर्लीस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेटअप हुई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे इंसान जो था वो सोशली ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये तो बहुत क्लियर नहीं है कि वो बैंड्स में रहते थे या प्री बैंड सोसाइटी में रहते थे, मतलब ग्रुप्स में रहते थे या बिना ग्रुप के रहते थे। लेकिन जो बैंड थे, यानी जो ग्रुप्स थे, वो हंटिंग के लिए फॉर्म हुए थे, यानी कि जब हंटिंग करने जाते थे तो पूरा बैंड, यानी पूरा ग्रुप जाता था हंटिंग करने के लिए। और जो मैक्सिमम नंबर होते थे इसके अंदर, वो अराउंड 25 रहते थे, यानी 25 से ज़्यादा वो उसमें मेंबर नहीं हो सकते थे। और जो बड़े ग्रुप्स होते थे उसमें 500 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो बैंड थे ये एक्सोगेमस ग्रुप में ये कन्वर्ट हो गए, और धीरे धीरे इनको कहा जाने लगा क्लैन,
यानी कि नियोलिथिक फेज में ये इनको बोलते थे, इन ग्रुप्स को क्लैन। और उसके बाद ये होने लगा कि जो मेंबर होते थे एक क्लैन के, वो हमेशा दूसरे क्लैन में ही शादियां करते थे, यानी अपने क्लैन में अपने ग्रुप में शादियां नहीं हो सकती थी। जैसे आज होता है ना हमारे यहाँ पे कि एक गोत्र में शादियां नहीं हो सकती हैं, यानी कि एक गोत्र में एक गांव में तो शादियां नहीं होती हैं, तो कुछ वो चीज़ जो स्टार्ट हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, राइट। तो ये जो ग्रुप्स होते थे ये क्लैन बन गए थे, और ये जो क्लैन होते थे ये हमेशा दूसरे क्लैन के मेंबर से ही शादी करते थे, यानी अपने क्लैन में कोई भी मेंबर शादी नहीं करता था, राइट। और इसके अलावा जो अपर पैलोलिथिक फेज आया, उस टाइम पर जो बैंड के मेंबर होते थे वो क्या करते थे, वो जितना भी कोई भी चीज़ अगर हंट करते थे या कोई भी फूड को गैदर करते थे तो वो उसको शेयर करते थे अपने पूरे बैंड के साथ में, यानी जो ग्रुप के मेंबर्स होते थे उनके साथ उनको वो शेयर करते थे, यानी जिसके पास जो चीज़ होती थी वो उसके हिसाब से उसको शेयर करता था। तो बार्टर सिस्टम भी शायद यहीं से निकल कर सामने आया था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज करना, राइट। तो पहले क्या था, मनी सिस्टम तो था नहीं, तो चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, तो उसी को बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो ये यहीं से निकल कर आया था, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बैंड्स बने थे यानी जो ग्रुप्स बने थे, ये ज़्यादातर कैसे फॉर्म होते थे, ये लैंग्वेज के बेसिस फॉर्म होते थे, यानी जिसकी जैसी लैंग्वेज होती थी उसके हिसाब से ये फॉर्म होते थे। तो यानी कि कम्युनिकेशन जो है इसने हमेशा से ही लोगों को इकट्ठा करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। और अगर आपको चैप्टर देखने के बाद में, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट को हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप अपना डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपना डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोज़ में हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, आपके सजेशन को वेलकम किया जाएगा, और अगर हमें सही लगेंगे तो हम अपने आने वाले वीडियोज़ में उनको ज़रूर शामिल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।